الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم وَمَنْ دخله كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق الله مولانا العظيم محترم المقام جناب سناء الله صاحب هوب كي سوبا سند زمداران انتهاي محترم नायब कौंसल कौनसलेट ममलिकत सऊदी अरब अला खबूसाद और हमारे लिए इसलिए भी ख़ुशी मुसरत और बरक़त की बात है कि जो हमारे मेहमान हैं इनका ताल्लुक़ मदीना मनवरा से है तो अभी जिन जज्बा का इजहार आप सुन रहे थे जब मदीना मनवरा का नाम आता है तो हमारी आंखें, हमारा सर झुक जाता है क्योंकि हमारी हरामैन शरीफैन से जो मोहब्बत है वो लाजवाल है वो ईमान की मोहब्बत है वो अकीदे की मोहब्बत है और उसे कोई भी कायनात में ख़त्म नहीं कर सकता मैं आप सब हजरात का बड़ा मशहूर हूँ उलामा अशायक अकाबरीन आप लोग एक बहुत बड़ी ख़िदमत कर रहे हैं और वो ख़िदमत है अल्लाह के मेहमानों की खदमत मैंने इस्लामाबाद में भी पिशावर में भी और मुख्तफ जो आप हजरात के जुम्मेदारान से नशस्तें हुई उसमें ये बात अर्ज की है और आज फिर कहना चाहता हूँ कि अगर हम आपके लिए पाकिस्तान के हजाज के लिए कोई बेहतरी कर सकें तो ये हमारे लिए सदत की बात होगी इसलिए कि जो अल्लाह का मेहमान है जो उसका ख्याल रखेगा अल्लाह भी फिर उसका ख्याल रखेगा और जो उसका ख्याल नहीं रखेगा हमने बड़ी दुनिया में लोग देखे हैं जिन्होंने हु को तंग किया तो रसवाई उनका मुकद्दर बनी अभी मेरे भाई जो बात कर रहे थे मैं यही चाहता हूँ वल्ला मुझे ना मेरी कोई भाई उम्र हज कंपनी है ना मुझे कोई शौक है लेकिन दुख है कि बैतुल्ला का तवाफ करते हुए मोबाइल मेरा यहाँ होता है दुआ मेरे मुंह में नहीं होती है जहां पे सर झुका के जाने का हुक्म है जहां सांस ऊंचा ना लेने का हुक्म है वहाँ मैं मवाज शरीफ के सामने खड़ा होकर कह रहा होता हूँ ओ ए देख मैं खड़ा को देख मैं नहीं वहां तो शेख उहादीस मौलाना जक्रिया राम आल मदीना मुनवरा में रहते थे का जिंदगी में दो मरतबा मुआजे शरीफ पर जाके हाजिरी दी वरना कदमैन में सलाम करके आता था दोनों मरतबा आगे सैयद था इस नुकता नजर से इस फिकर से कि इस सैयद के साथ जा रहा हूं पार लग जाऊंगा कहीं बेअबी होगी तो माफी हो जाएगी लेकिन हम क्या करते हैं यह आप मुझसे बेहतर जानते जो इस वक्त सूरत हाल है कि मुमलिकत सऊदी अरब वहां दिन ब दिन बेहतरी आ रही है चीजों में जो हदफ सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान खादि शरीफे की सरपरस्ती में उमरा का 2025 में तय किया था वो 2022 में पूरा हो गया पूरी इस्लामी तारीख में कभी 27 रमजान को रमजान के महीने में 25 लाख अफराद मक्का मुकरमा में जमा नहीं हुए आखिरी रमजान में साढ़े छब्बीस लाख अफराद थे सत्ताईस और अट्ठाईस रमजान को मक्का मुकमा में ये कैसे हुआ आप और मैं जानते हैं जिनके जो अस्सी की दहाई में गए या नबे की शुरू में कि उम्रा वीजा के लिए लोग बिस्तर लाख के कौंसलेट के बाहर बैठे होते थे सऊदी अरब के वलियाद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कंप्यूटर पे बैठो अपना वीजा ले लो यूरोप जा रहे हो अमेरिका जा रहे हो जद्दा रियाज मदीना एयरपोर्ट पे उतरो साल का मल्टीपल वीजा ले लो जब वो इतनी तब्दीलियां कर रहे हैं बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं तो उस बेहतरी से हमें इस्ता भी करना है और उसका साथ भी देना मैं मशकूर हूं पाकिस्तान के वजीर आजम मोहतरम जनाब अनवर काकर साहब का और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब का और पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाब सईद अल मालकी साहब का और अपने भाई मोहतरम वजीर हज और वजीर मजहबी उमूर जनाब अनीक अहमद का और सऊदी वजीर हज जनाब डॉक्टर तोफीक कर रबी का कि एक जो मुश्किल 2000 वाली आई थी वो कम होके 500 पर आ गई है एक बड़ी मुश्किल थी हमें उसका एहसास है और अल्लाह जजाय खैर दे पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर को उन्होंने वजीर आजम साहब ने और जब सिपा सलार के नाम खत गया होप की तरफ से तो उन्होंने कहा कि इसमें जो भी हो सकता है हमें करना है मजीद बेहतरी की भी कोशिश करेंगे मैं ये कहना चाहता हूं आपने साथ दिया आपने ये हज करप्शन से पाक हज होगा आपको किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी आपको किसी को सिफारिश नहीं करवानी पड़ेगी और ये खड़े हैं सनाउल्ला साहब अगर इधर कहीं नजर आ जाए वो अक्सर गुम हो जाते हैं इनसे पूछे अब तक तो हमने यही कोशिश की है उसका क्रेडिट वजारत मजहबी उमूर को भी जाता है वजीर मजहबी उमूर को भी जाता है और सेक्ट्री मजहबी उमूर को भी जाता है और हमारी जो इस वक्त मुल्क की क्यादत है उसकी बड़ी वाज ताली है जिस तरह हम वजारत मजहबी उमूर में ये नहीं चाहते कि वहां पर कोई तंग हो वहाँ आपसे भी नहीं चाहते कि कोई हाजी आपसे भी तंग हो मैंने होप से एक ही बात की है कि आप अपने अंदर निज़ाम एहतसाब बनाए क्यों हज ग्रुप का नाम आए तो तस्वर पैदा हो कि ये तो तांगी करेंगे ये तो खुआरी करेंगे क्यों ये तस्वर पैदा ना हो कि ये खिदमत करेंगे और नब्बे फीसद से ज्यादा खिदमत करते हैं इसमें कोई शक नहीं है आप लोग मुझे पता है अल्लाह ताला ने मुझे शहादत दी है मुश्किल दौर में भी हज की आसान दौर में भी आपकी अक्सरीयत वो है जो खिदमत करने वाली है लेकिन चंद लोगों की वजह से आपकी भी बदनामी होती है तो क्यों ना मिलकर उस दरवाजे को बंद किया जाए जिसकी वजह से बदनामी होती है ये और दूसरा तरबियत हजाज हम अपने हाजी को बताएं कि सऊदी अरब का कानून उसमें कोई बालातर नहीं है उसमें कोई वीआईपी नहीं है उसमें कोई अहम आदमी नहीं है सऊदी अरब के कानून पे अमल करना है और अब तो ये जो आबी के शहर से शुरू हुआ था आपको याद होगा कि जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यहाँ आए और यहाँ आप लोगों ने बिजनेसमैनों ने उन्हें डॉलर के हवाले से बात की और अल्हम्दुलिल्लाह उसके नतीजे में बावन रुपए डॉलर नीचे आया और उसी के नतीजे में एक लाख रुपया गवर्नमेंट ने हज सस्ता किया फिर हमारे कुछ दोस्त कह रहे थे ओहो हज बहुत महंगा कर दिया हुकूमत ने देखें कोई आ ही नहीं रहा अल्लाह के फजलोकरम से जो रेगुलर गवर्नमेंट का कोटा था उससे पांच हजार ऊपर लोगों की एप्लीकेशने आई हैं ये एतमाद है पे हकूमत पे और जो हमारे बड़ों ने कोशिश की जो जू, -जू डॉलर नीचे आएगा मुझे कल शक्टी मजहबी उम्र बता रहे थे कि हमारी कोशिश है और अनिक साहब भी इसमें बड़ी मेहनत कर रहे हैं असल काम तो ये उनका है भाई मैं तो एज ए मुआवन फंस गया हूं तो वो भी कि और बेहतर हो जाए आपके लिए भी उनके लिए भी एक ऐप सिस्टम बना दिया गया है जो आपको पता है कि मौजूदा आर्मी चीफ ने यह मुतालबा हमारे अरब दोस्तों का पिछले तीन साल से था कि पाकिस्तान में वन विंडो ऑपरेशन हो बिजनेसमैनों के लिए वन विंडो ऑपरेशन हो जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आए उनके लिए मुताद्दीद मीटरों में हमारे अरब सरबरा इस बात पे हमारी हुकूमतों को कहते रहे पिछले तीन साल में लेकिन अल्लाह जजाए खैर दे मोहतरम हाफिज सैयद आसिफ मुनीर साहब को कि उन्होंने हुकूमत के साथ मिलकर वो जो सहूलतकार काउंसिल कायम की उसी के तहत ये ऐप भी आपके सामने आई है प्राइवेट हाजी भी और सरकारी हाजी भी आपका और हमारा दो नहीं है वजारत मजहबी उमूर का हाजी हो या प्राइवेट हाजी हो ये एक ही हाजी है ये पाकिस्तानी है ये हाजी है इसकी हमने खिदमत करनी है और इसको बेहतर सहूलतें देनी है हमारी इतनी गरज है और एक बात समझाने की है मैं आपसे भी अर्ज करना चाहता हूं इतना बड़ा स्टेप उठाया एस आई एफ सी ने अब ये ऐप वाला आपसे भी एक गुजारिश ये है कि सबसे बड़ा मामला अफवाह साजी है कोई अफवाह चलती है बगैर तहकीक के उसे लेके चल पड़ते हैं इस अफवाह साजी से बचाना अपने हाजी को आप लोगों को भी खाली हाजी को नहीं कुरने करीम में अल्लाह तबारक वाल का हुक्म है कि इन जाकुम फासिकुम बिना बा इन फतबैनु अन तुसीबु कौमम बि जहालत फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमिन आप उलामा हैं मशाइख हैं बड़ी बड़ी किबार शख्सियात हैं मैं तो एक अदना तालिब इल्म हूं आज हमारी तबाही एक बहुत बड़ी ये हमारे हाथ में है मोबाइल जो जिसका दिल चाहे भेज दे जो जिस, जिसका दिल चाहे कर दे। पिछले दो हफ्ते पूरा सोशल मीडिया इससे भर दिया हुकूमत नाकाम हो गई हज पॉलिसी नाकाम हो गई हाजी नहीं आ रहे अब मैं उनसे पूछता हूं कि पांच हजार से ज्यादा एप्लीकेशन आ गई है रेगुलर से की मैं आप बताओ ये मैंने तो नहीं डाली ये साहब ने तो नहीं डाली ये पाकिस्तान की अवाम ने अप्लाई किया है ना पाकिस्तान के हाजी ने अप्लाई किया है इसका मतलब हुआ कि जो काम हो रहा है अगर डॉलर नीचे आया है और इन और नीचे आएगा तो इसका क्रेडिट तो फिर जो नीचे लेके आए हैं उन्हें देना पड़ेगा आपको और उसकी वजह से हाज सस्ता हुआ है उसका क्रेडिट भी आपको देना पड़ेगा हुकूमत को भी देना पड़ेगा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी देना पड़ेगा कि जिन्होंने थोड़ा सा डंडा लहराया मैंने तो कहा कि भाई ये आपने आटे चीनी पे डंडा लहराया स्मगलिंग रुक गई डॉलर पे डंडा लहराया स्मगलिंग रुक गई हज सस्ता हो गया ये जरा बिजली पानी गैस इनके बिलों पे भी जरा डंडा थोड़ा सा चलाइए ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल जाए ये जो तो बड़े बड़े उमराह हैं इनसे लीजिए गरीब को रिलीफ दीजिए इन ये भी होगा अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है एक कवि मुल्क है हमारे और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो इतने मजबूत हैं किसी के उतने मजबूत नहीं हैं और ये मैं मैं आपको उसकी छोटी सी मिसाल देता हूं एक दिन मैं खादिम हरामैन शरीफे शाह सलमान मीन अब्दुल अजीज के साथ एक खाने में हम थे कोई बात हुई तो उन्होंने कहा तबीब कल भी पाकिस्तानी मेरा दिल का डॉक्टर पाकिस्तानी है मैंने तो दिली तुम्हें दे दिया और तुम क्या चाहते हो और खुद अमीर मोहम्मद बिन सलमान यहाँ कह के गए कि आना सफीर उल पाकिस्तान फिल मुमलिका मैं पाकिस्तान का सफीर हूँ मुमलिकत के अंदर और मैं इससे आगे जाना चाहता हूँ दुनिया इस्लाम में इस वक्त दो चीजों पर मेहनत हो रही है एक मजहबी डिप्लोमेसी और एक मजहबी सियाहत हमारे यहां कोई तैयारी नहीं है दो बड़े मजाहब जो हैं, एक सिख और एक बुद्धिस्ट उनके मुकद्दसात आपके मुल्क में हैं आपके लोग ईरान जाते हैं इराक जाते हैं मिस्र जाते हैं उजबेकिस्तान ताजकिस्तान उर्दन कोई तैयारी नहीं मैंने तो हो वालों को कहा कि आपको ये सियाहत का सारा शोबा अपने इस होप के नीचे लाना चाहिए मजहबी सियाहत मजहबी डिप्लोमेसी दुनिया में अब चल ये रही है और इस तरफ आपको तवज्जो करनी चाहिए अगर सिर्फ होप ये तय कर ले और गवर्नमेंट के इदारे तान करे और वो करेंगे ये जो बिलखसूस हमारी ये कौंसल बनी है तो पाकिस्तान में सिर्फ सियाहत से अरबों डॉलर आ सकते हैं मजहबी सियाहत से हमें किसी आईएमएफ की जरूरत भी नहीं रहेगी और इन नहीं रहेगी इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आपसे ये अर्ज करूंगा कि आपके बहुत वक्त है। की अच्छी तरबियत कीजिए उनको बताइए कि आप अल्लाह के घर जा रहे हैं अल्लाह के मेहमान बनकर अलैहि वसल्लम के रोजा या थर पे जा रहे हो हाँ जिनका नाम बहुत बड़े बड़े अलिया अल्लाह बग़ैर वज़ू के भी नहीं लेते थे अगर दरुद पढ़ना होता और नाम आ जाता तो वो मोहम्मद की बजाय अम्बिया कह देते कि मेरा वजू नहीं है उनके मतलक इन समझ जाते कि इन्होंने जो अल्लाह मसल मोहम्मद नहीं कहा इसका मतलब ये है कि अभी वजू में नहीं है इमाम मालिक र्ल बड़ी बड़ी शख्सियात सईदा आयशा रज़ी कहा वो वाकया कि जो एक हद्दाद लोहा कूटने वाला मदीना में तो उसे पैगाम भेजा कि लोहा आस्था कूटा करो रसूल को तकलीफ़ होती है वहाँ रात हमारे आजम साहब ने गुफ्तु की नामो से मुतफ़ा सल्हलम के हवाले से उन्होंने कहा देखो भाई हमारा अव्वल व आखिर मोहम्मद सल वसलम है तो मुझे कल किसी ने कहा कि ये क्या।, कहा ये क्या मैंने कहा ये कुरान की आयत की बात है अगर किसी को नहीं समझ आई तो समझ जाओ कुल इन अल्लाह अल्लाह ने भी अपना रास्ता बंद रखा है कहा मेरे पास मोहब्बत करने ना आओ मेरे प्यारे महबूब की इतबा करो मैं तुमसे मोहब्बत करने लग जाऊंगा मेरे अजीजों पाकिस्तान में सऊदी अरब का सफारतखाना हो वजारत हज सऊदी अरब हो हमारी वजारत मजहबी उमूर हो सब ये चाहते हैं कि हमारे ताल्लुक भी मजबूत बने और को भी सहूलतें मिले आज इतवार है मेहमान आए हुए हैं मुझे पता है लेकिन नायब कौंसल कौंसल यहाँ नहीं थे सऊदी अरब में हैं आपके पास आए बैठे हैं क्यों आए हैं होप की ये जो रिक्नाइजेशन है या होप को ये जो तस्लीम किया जाना है होप का अब होब वालों से भी हम उम्मीद रखते हैं कि वो खुजाज के मामले में हमें शर्मिंदा नहीं करेंगे और जो शख्स देखें जब पैसे पूरे लेते हैं फिर सहूलत ना देना इस बार मैं हज पे था मेरे बेटे के कुछ दोस्त पचास लाख रुपया दे के हज पे गए थे लेकिन हरम से सोलह किलोमीटर दूर ठहरे हुए थे फिर हम मौलवी हजरात को भी आप हज के उसमें ले जाते हैं नजराना भी थोड़ा पेश कर देते हैं तो हम भी फिर आपकी जुबान बोलते हैं अब वो इरफात पे उन्होंने मौली साहब को कहा जरा फजाइल बयान करें तो उन्होंने कहा वाह वाह वा बड़ा फजीलत है अरफात से पैदल मुज़दलफा और मुज़दलफा से पैदल मिना वो बेचारे बच्चे जो पहली बार गए यूनिवर्सिटियों के अच्छी अलीड क्लास के बच्चे होंगे जिन्होंने पचास लाख दिया अब वो इस उसमें के जनाब मौलाना साहब ने अजर कहा है मैंने कहा अब ये दोबारा जाएगा आपने सिर्फ चंद रियालों को बचाने के लिए जो जुल्म किया है आपने उस पूरे हज के अमल से उसको दूर कर दिया है क्या ऐसे लोगों को माफी होनी चाहिए मुझे एक पिछले दिनों मेरे बड़े मोहसिन भाई हैं एक बड़े टीवी चैनल के मालिक हैं। उनका फोन आया कि ये मेरे एक जानने वाले हैं वजारत इन पर जुर्माना कर रही है आप सिफारिश कर दें मैंने कहा जी बात कराएं जब बात हुई मैंने कहा भाई अगर तू जायज है तो वजारत एक रुपए का जुर्माना नहीं करेगी और अगर तू नाजायज है तो अगर वजारत दस रुपए कह रही है मैं उसे कहूंगा बीस रुपए का जुर्माना करे माशाल्लाह उसके बाद उसका फोन नहीं आया मैं समझ गया कि ये दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली थी वरना जरूर दोबारा फोन ऐसे लोगों को आपको यहां से पकड़ के बाहर निकालना चाहिए आप मैं कह सकता हूं अठानवे फीसद आप में से ठीक लोग हैं अगर दो फीसद दो फीसद भी नहीं होंगे मुझे बताया बदरी चौतीस पैंतीस शिकायत कितनी आई चौतीस पैंतीस नब्बे भी दूर करें वो भी ना आए हम ये चाहते हैं इस साल कि अगर हम की साइड पे जो वी एन इसलिए थोड़ा वक्त ज्यादा ले गया कि हमारे मेहमान खसूसी अभी रास्ते में हैं हमारे साहब बता सकते हैं कि दो मिनट कहते हैं, हैं तो दो मिनट में आपकी और समा खराशी करूँगा अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ लेकिन हमारी एक ख्वाहिश है मेरी जाती ख्वाहिश तो सिर्फ इतनी है कि ये मेरा हाजी जब जाए उम्रे वाला जाए तो यार इसको इतना पता हो वो जा कहाँ रहा है बस और इससे आगे मैंने अरज कर दिया इस वक़्त तक तो अलहदुल्ला हमारी वजारत जो है और हमारे जितने भी अहबाब हैं वो इस कोशिश में हैं बाकी अल्लाह जानता है और एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तानी अपने ऊपर फख्र करना सीखें हम अपने आप को कवि करें आज कहा जाता है कि मुमलिकत में बहुत लेबर के चांसेस हैं हम कहाँ हैं तो ये आप उनसे नहीं अपने आप से पूछिए क्या हमने स्किल लेबर तैयार की है क्या हमने उस क्राइटेरिया पे अपने लोगों को तैयार करना शुरू किया है वहाँ खाली मजदूरों की जरूरत नहीं है वहाँ कंप्यूटर वाले की भी जरूरत है वहाँ आईटी के माहर की भी जरूरत है वहाँ पर इंजीनियर की भी जरूरत है वहाँ डॉक्टर की भी जरूरत है लेकिन अगर वहाँ पर मेरा जो आदमी जा रहा है उसकी तरबियत ही नहीं होगी उसको अपने काम का पता ही नहीं होगा तो भाई आप उस बंदे को रखते हैं जिसको आपके काम का ना पता हो जरा बता दें हाँ रखते हैं नहीं रखते ना तो वो क्यों रखे मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको सऊदी अरब से तमाम मुल्कों से ज्यादा तमाम मुल्कों से ज्यादा मैं ये दावे से कह रहा हूं लेबर भी काम भी सब कुछ मिल सकता है लेकिन शराय पूरी करनी तो आपका काम है ना ये तो नहीं मुमकिन है कि शरायत भी सऊदी अरब पूरी करे काम भी सऊदी अरब ही फिर कर लेगा आपको क्यों कहेगा इसलिए अपने आप को इसके लिए भी तैयार करें हमारे लोग तरबियत याफ्ता हों अपने अपने काम के माहिर हों ताकि वो काम कर सकें और ये वतन हमारा है जिस तरह आप सब यहाँ बैठे हैं मेरे लिए तो खुशी की बात है अगरचे इस पे मैं मतउून भी होता हूँ पत्थर भी लगते हैं लेकिन हम अलीदा आलहदा रखिए इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते हम बाहमी इत्तेहाद से ही इस मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं अभी क्रिसमस के अयाम मनाए जा रहे हैं बहुत सारे पूरी दुनिया से लोग बेचारे परेशान हैं कि जी क्या करें 25 दिसंबर को क्या कहें 20 को क्या कहें 30 को क्या कहें तो मैंने कहा सईदना ईसा आ व सलाम तो हमारे भी हैं है कि नहीं है जरा जोर से बोल दो अगर हम सईद ईसा को ना माने तो मुसलमान ही नहीं हो सकते तो मैंने कहा इस पर तो किसी का इख्तलाफ नहीं है कि कि कहा जाए इबन मरियम मुबारक हो इस इसपे तो किसी का नहीं है मेरा मेरादा तो वही है कि कुल अल्लाह अहद अल्लाह अहद लेकिन मेरा ईमान है ईसा सलात अल्लाह के पैगम्बर हैं और अगर मैं ये ईमान ना रखूँ तो मैं मुसलमान ही नहीं हो सकता लानु तो लोग तो बड़े बड़े मुफ्तान के मुझे फोन आए आपने तो बड़ा मसला हल किया मैंने कहा अलहमद अभी कल भी हमारे तकरीब थी वजी आजम सेक्रटेट में मैंने कहा मेरा अकीदा खुल्लामय नाह है लेकिन मुझे कुरान ने एक और भी हुक्म दिया है लकुम दीन हुक्म वलिया दीन ये मैं भूल जाता हूं तो वजीर साहब आ गए हैं असल जुम्मेदार आ गए हैं आप लिहाजा मैं समझता हूं कि जो मैं उनकी जगह ड्यूटी कर रहा था वो अपनी ड्यूटी संभालें क्योंकि असल इनका काम है भाई हम तो इनके माम हैं अल्लाह इनको जजाय खैर दे जिस तरह ये सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं मैंने आपको सारा बता दिया और इनका मेरा इस मामले में विजन एक है